देश के लिए मर मिटने वाले शहीद आजम भगत सिंह के जूते और घड़ी आज भी हरदोई में मौजूद हैं। शहीद आजम भगत सिंह के मित्र रहे क्रांतिकारी जयदेव कपूर, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के जूते और घड़ी अपने मित्र की याद में घर में छोटा सा म्यूजियम बनाकर संजो कर रखा है। आज भी यह जूते और घड़ी इनके परिवार के पास मौजूद हैं। शहीद आजम भगत सिंह हमारे बाबा जी श्री जयदेव कपूर जी के सबसे प्रिय मित्रों में से एक थे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में जब बम फोड़ा गया था, तब हमारे बाबा जी ने ही पास अरेंज कराए थे भगत सिंह जी को और बटुकेश्वर दत्त जी को। उस दौरान उन्होंने अपने जो जूते थे और घड़ी थी वो हमारे बाबा जी श्री जयदेव कपूर जी को गिफ्ट में दिए थे। उसके बाद में भगत सिंह जी को सैंडर्स केस में और असेंबली में बम फोड़ने के केस में आपको लाहौर में लाहौर कॉन्वेक्सी केस में सजा हो गई। उसके बाद में हमारे बाबा जी, गया प्रसाद जी, उनके साथी शिवर्मा जी, इन लोगों को अंडमान निकोबार की सजा हो गई। उन वहाँ पे वो 30 बेंत की रोज मार झेलते थे मेरे बाबा जी, रोज कोड़े मारे जाते थे उनको। अंडमान निकोबार में कौन सी सजा कही जाती है? वहाँ काले पानी की सजा बोली जाती है, जहाँ अभी हम लोग को सन 2018 में वहाँ जाने का मौका भी, सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। माननीय मोदी जी ने हम लोगों को वहाँ पे इन्वाइट किया था, वहाँ के 75 साल पूरे होने के वर्षगांठ मनाई गई थी। अच्छा, अब वो जूते और जो घड़ी शहीद आजम भगत सिंह द्वारा आपके बाबा जी को गिफ्ट की गई थी, वो कहाँ है और कैसी स्थिति में? जो जूते भगत सिंह जी की घड़ी है वो हमारे घर में म्यूजियम बाबा जी ने बनाया था, वो आज भी सुरक्षित है। भगत सिंह जी की घड़ी और जूते हमारे म्यूजियम में आज भी रखे हुए हैं। अच्छा, जो काला पानी की सजा हुई थी, कितने वर्षों तक आपके बाबा जी वहाँ रहे और फिर कब रिहाई हुई? 1930 में काले पानी भेजे गए थे, उसके बाद 1938 में काले पानी जेल से फिर मद्रास जेल, फिर अन्य जेलों में रहने के बाद में जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में उनकी रिहाई हुई है। उसके बाद वो अपने मजदूरों के वकालत करे हुए थे बाबा जी, तो मजदूरों का केस भी लड़ते थे, गरीब मजदूरों के बाद में, देश आजाद होने के बाद की बात है जी। निधन कब हुआ था आपके बाबा? 19 सितंबर 1994 को बाबा जी का हरदोई में पैतृक निवास में ही निधन हो गया था। जन्म कब हुआ था? 1908 में 24 अक्टूबर दिवाली के दिन शाम के समय बाबा जी का जन्म हुआ था। अच्छा, ये जो जूते और घड़ी हैं, क्या कभी सरकार या फिर शहीद आजम भगत सिंह का जो परिवार है उन्होंने कभी मांग की कि उनकी चीज़ें उन्हें वापस कर दी जाएं, या सरकार ने कहा हो कि हमें वापस दे दीजिए? नहीं, अभी तक की तो सरकार ने नहीं कभी कहा है। वैसे सरकार का प्रश्न भी नहीं उठता है, क्योंकि ये किसी के द्वारा गिफ्टेड चीज है, ये कोई राष्ट्रीय धरोहर चीज नहीं है, ये हमारा एक गिफ्टेड चीज है। अगर हम आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो उस पर हमारा अधिकार है, ना कि किसी अन्य का। आपके बाबा जी देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ाई लड़ते हुए जेल भी गए, क्या सहूलियतें मिली आपको शासन प्रशासन की तरफ से? शासन प्रशासन की तरफ से कुछ कोई भी मदद नहीं हुई आज तक हम लोगों की। अच्छा, क्या वो समय रहा होगा जब आपके बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, आपके परिवार का कैसे भरण पोषण होता था? सभी का अपना अपना बिजनेस था, सभी लोग अपना अपना काम धंधा करते थे, किसी की नौकरी थी, किसी का व्यापार था, इसी तरह हम लोग का भरण पालन पोषण हुआ, हम लोग पढ़ाई करे, बड़े हुए। क्या कभी हरदोई में उनकी प्रतिमा कहीं लगाई गई या उनके नाम से कोई मार्ग बनाया गया? अभी हाल ही में सन 2020 में माननीय जिलाधिकारी महोदय पुलकित खरे जी ने रेलवे का जो अपना ये ओवर ब्रिज है सीतापुर रोड का, उस पे उन्होंने बाबा जी के नाम से बोर्ड लगवाया है अभी। उसके अलावा भी प्रतिमा का कहीं दूर दूर तक की कोई नामो निशान नहीं है प्रतिमा लगाने के लिए। क्या नाम? मेरा नाम मयूर कपूर है।